पिछले दिनों प्रदेश में हुई बरसात के कारण सब्जियों के रेट आसमान को छू रहे हैं। पहले लोगों को प्याज ने परेशान किया, अब आलू भी प्याज के रास्ते पर निकल पड़ा है। जिस आलू का दाम कभी 4 से 5 रुपये किलो मिलता था, अब वही आलू 25 से 30 रुपये पहुँच चुका है। अगर बात करें आम आदमी की, तो आम आदमी की पहुँच से सब्जियाँ जो हैं काफ़ी दूर निकल गई हैं। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि किसानों के द्वारा अब की बार आलू की बुआई कम की गई है, जिसके चलते मंडी में भी आलू कम आ रहा और अब धीरे धीरे आलू के रेट जो हैं और बढ़ेंगे। सब्जियों के क्या रेट चल रहे हैं? क्या सब्जियों के रेट चल रहा है? डाउन है पहले से बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो जो रेट बढ़ रहे थे जैसे आलू हो गए, बरसात तक बढ़ गए थे, आलू बरसात करके तेज हो गया था पहले बीच में, अब बरसात रोक के फिर डाउन हो गया। तो अब क्या रेट आ रहा है आलू? 1000 रुपये कट्टा आ रहा है, 2 किलो 50 का बेच रहे हैं, 22-23 रुपये किलो घर पड़ता है। अच्छा, तो किलो के हिसाब से क्या? अगर 25 रुपये किलो, 22 रुपये लोग खरीद है हमारी, 25 बेच रहे हैं, 2-3 रुपये किलो ही ले रहे हैं मार्जिन। तो पहले के हिसाब से सस्ता है या महंगा? अभी पहले सस्ता है, अब क्या आलू सस्ता भी नहीं होता भाई। तो आपकी पता क्या, जिम्मेदार लगाए ने पिछली बार आलू पीटा, जिम्मेदार का पल्ले ही नहीं पड़ा, कोई कहाँ लगाए, पंजाब का आलू जौन सा बिहार जा रहा सारा, अब लोकल आलू है नहीं इतना मार्केट के अंदर, अब 1000 कट्टा कम बिक नहीं रहा मार्केट के अंदर। तो प्याज क्या रेट चल रहा है? प्याज भी यार बीच में हो गया था 120, अब दोबारा 100-110 हो गया, 140 तक बिक गया प्याज। तो 25 रुपये किलो। तो सब्जियां दूसरी महंगी हैं क्या लगता है? सस्ती है भैया सब सारी, अब गोभी 20 रुपये किलो है, गाजर 30 रुपये किलो है। तो अब जैसे आलू नहीं आएगा मंडी में, लोकल आलू नहीं आएगा, तो बढ़ेंगे रेट आलू के? क्या लगता है आपको? तो बढ़ेंगे भाई रेट। क्या नाम आपका? ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।